फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जो ये बचा हुआ फैब्रिक होता है जो नेक के बीच में से निकलता है, अक्सर इसे हम फेंक देते हैं, पर इसका यूज़ करके हम बनाएंगे बहुत ही ब्यूटीफुल सा स्लीव्स का डिज़ाइन। सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम ज्योति एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति फैशन ब्यूटी। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और ये जो है सेंटर से हमारा निकला है बुकरम का पीस, एंड सेंटर से जो हमारा निकला है नेक में से पीस, इन दोनों का यूज़ करके ही हम एक ब्यूटीफुल सा स्लीव्स का डिज़ाइन बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से ये हम ले लेंगे, ये जो हमारा बुकरम है इसको हम ले लेंगे और कुछ इस तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे। एंड इस तरीके से डबल फोल्ड करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है हम डिज़ाइन कट करेंगे जो कि स्लीव्स पे हम बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं आप इसी तरीके से स्ट्रेट कर लूँगी एक साइड से, देखिए कुछ इस तरीके से अच्छे से ये आपको स्ट्रेट कर लेना है कुछ इस तरीके से, जिससे अच्छे से हम डिज़ाइन इस पर ड्रॉ कर लेंगे। एंड देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से अब जो आपको यहाँ से मार्क लगाना है वो आपको लगाना है लगभग 1 इंच पे आपको इस मार्क को लगाना है। एंड इस तरीके से आप मार्क जो लगाएंगे वो लगाएंगे 2 इंच पे। इस तरीके से हमने मार्क लगा लिया है और इसको हम मिला देंगे। 2 इंच हमने लेंथ लेनी है और 1 इंच हमने ब्रॉड में मार्क को लगाया है। ऑन फोल्ड वाले साइड से हमने मार्किंग करी है ये कुछ इस तरीके से, और एक हमने मार्क लगाना है 1/2 इंच के गैप पे। कुछ इस तरीके से हमने ये जो है मार्क लगा लिया है। एंड इसकी कटिंग कर देंगे, सबसे पहले आउट वाले जो पार्ट है उसको हम कटिंग करेंगे कुछ इस तरीके से। अब देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने कटिंग कर लिया है, कुछ इस तरीके से ये शेप बनेगा। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने कट कर लिया है। इसके बाद जो हमारा मेन जो हमारा डिज़ाइन है उसको भी हम कट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। जो है हमारा मेन डिज़ाइन को भी हमने कट कर लिया है कुछ इस तरीके से, और ये डिज़ाइन कुछ इस तरीके से हमारा बन के रेडी होगा। अब एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक पे इसको डिज़ाइन को अच्छे से सेट कर लेंगे। आउट में हम 1/2 इंच के गैप पे इसको कट कर लेंगे फैब्रिक को कुछ इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, इसको हम इस तरीके से फिनिश करेंगे जैसे हम नेक को फिनिश करते हैं, उसी तरीके से स्लीव्स को भी हमने फिनिश करना है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी, वीडियो को फुल वॉच करें। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से 1/2 इंच का जो मार्जिन है उसको फोल्ड करते हुए हमने अच्छे से उस पर स्टिच लगा ली है। और देखिए फ्रेंड्स, बुकरम से एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक है उसको आप कट कर देंगे। इस तरीके से मैंने कट कर लिया है। अब इसको फोल्ड करके जो है सेंटर में इस तरीके से क्रीज बना लेंगे कुछ इस तरीके से, और एक कट लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से ये जो है रेडी है बनाने के लिए। अब देखिए फ्रेंड्स, नॉर्मली जैसे आप स्लीव्स को कट करते हैं वैसे ही आपको स्लीव्स को कट करना है। देखिए फ्रेंड्स, स्लीव्स को जो है मैंने ऑलरेडी कट कर लिया है। और देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से अब राइट साइड पे आप रखेंगे इस डिज़ाइनिंग को कुछ इस तरीके से। और राइट साइड पे रखने के बाद देखिए फ्रेंड्स, इसको पिन से आप सेट कर लेंगे, ऑल पिन से सेट कर लेंगे। और इस तरीके से इसमें हम जो बुकरम के आउट में इसमें स्टिच लगाएंगे, जैसे नेक फिनिश करते हैं तो नेक के आउट में हम स्टिच लगाते हैं बुकरम के, उसी तरीके से इसको भी फिनिश करेंगे। स्टिच लगा ली है, एंड स्टिच लगाने के बाद जो है हम इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। 0.25 इंच तक हमारे पास फैब्रिक होना चाहिए, बाकी हम फैब्रिक को कट कर देंगे। इस तरीके से छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे जिससे कि ये फैब्रिक जब टर्न करेंगे तो अच्छे फिनिशिंग के साथ हमारा बन के रेडी होगा। और इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स, इसको हमने टर्न कर लिया है। एंड टर्न करने के बाद जो है हम एक जो है ऊपर स्टिच लगाएंगे इसके कॉर्नर पर, तो टॉप पर स्टिच लगा के इसको अच्छे से फिनिशिंग देंगे हम कुछ इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने स्टिच इसमें लगा ली है, टॉप स्टिच लगा के इसको अच्छे से रेडी कर लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको हम डिज़ाइनिंग कैसे करेंगे वो हम देख लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारे पास फैब्रिक था जो कि हमारे नेक के बीच में से निकला था, उसमें हम जो सेंटर में से डिज़ाइनिंग है उसको दोनों पार्ट्स को हम कर लेंगे अलग, जिससे कि हमारे 2 स्लीव्स के लिए बन के रेडी है। तो मैं आपको एक स्लीव्स दिखाऊंगी किस तरीके से बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे और राइट साइड को राइट साइड से मिलाएंगे और इसमें स्टिच लगा लेंगे, और इस तरीके से नीचे से जो अच्छे फिनिशिंग के साथ हमें ये फैब्रिक मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने टर्न कर लिया है। एंड टर्न करने के बाद इसके ऊपर एक स्टिच लगा देंगे कुछ इस तरीके से। एंड इस तरीके से करने के बाद जो हमारा मेन वाला फैब्रिक है उसी के बराबर हमने जो हमने नीचे इसके साथ फैब्रिक लिया था उसको कट कर देंगे। मेन फैब्रिक के बराबर ही आपको इस फैब्रिक को लेना है कुछ इस तरीके से। अब जो हमारी स्लीव्स पे हमने डिज़ाइन बनाया था वो कुछ इस तरीके से हम इसमें रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है नीचे से आपको 1/2 इंच छोड़ते हुए इस डिज़ाइन को रखना है। और देखिए फ्रेंड्स, अब पिन से इसको सेट कर लेंगे और इसके बाद जो है इसके ऊपर आउट में एक स्टिच लगा देंगे, टॉप स्टिच लगाएंगे इसके ऊपर, जिससे अच्छे से ये फैब्रिक सेट हो जाएगा।
अब देखिए फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं इसमें कट कर लूँगी कुछ इस तरीके से। और इस तरीके से करने के बाद जो है, यहाँ पे आप इंटरलॉक भी इसको कर सकते हैं, जिससे कि अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी बैक साइड पे भी। तो इसे आप इंटरलॉक कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इंटरलॉक करके इसको अच्छा फिनिशिंग का लुक दे दिया है। एंड इस तरीके से ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हाफ इंच का रखा था, इसको हम डबल फोल्ड करेंगे कुछ इस तरीके से, बारीक डबल फोल्ड करेंगे और स्टिच लगा देंगे। इस तरीके से मैंने स्टिच लगा दिया है। इसी तरीके से दूसरे साइड में भी हम इसको स्टिच को लगा देंगे कुछ इस तरीके से। एंड इस तरीके से दोनों साइड में स्टिच लगा के ये बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग से हमारा बन गया है। अब इसे और अच्छा लुक देने के लिए हम इसमें लेस का यूज़ करेंगे कुछ इस तरीके से। ये मैंने ज़िगज़ैग लेस ली है। तो इसे देखिए फ्रेंड्स, कॉर्नर पे सबसे पहले मैं लगाऊंगी कुछ इस तरीके से। जो आपने शेप दी है उसी के कॉर्नर पे आपको इसको लेस को देना है। तो इस तरीके से जो है, मैंने इसको लेस को लगा लिया है। एक मैं हाफ इंच के गैप पे और लेस दूंगी, जिससे कि इसकी स्लीव्स का लुक बहुत ही अच्छा आएगा। देखिए फ्रेंड्स, एक हाफ इंच के गैप पे मैंने एक लेयर लेस का और ले लिया है। आप चाहो तो एक सिंगल लेयर में भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा स्लीव्स का डिज़ाइन बन के रेडी है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय बाय गाइस।